Yes or miss? I don't know. Okay, Isma, what about you? Do you have any idea? No. Okay. So nobody of you knows the purpose of programming language. Okay. Can you all see my whiteboard? Yes. Yes. Take care. We use programming language to communicate with computer. Do you understand this? We use programming language to communicate with computer. Okay? Okay, ma'am. It tells computer what to do and how to do. Is it clear? Programming language kyun use hoti hai? Computer se communicate karne ke liye. Computer se baat karne ke liye usko batati hai ki kya karna hai aur kaise karna. Theek hai? Okay, ma'am. Yahan tak aaya? Yes. Theek hai? Acha. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है. एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज. आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में? नो मैम. नो. ओके. लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. मैंने सबसे पहले क्या बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है. ठीक है. उसको बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है. And also tells when to do, what to do, how to do, and when to do. ठीक है? Okay, ma'am. इसके बाद मैंने क्या बताया कि हमारे पास दो तरह की programming languages होती हैं, high level language and low level language. ठीक है? High level languages for humans होती है. ठीक है? और low level language for machines होती है. Only. ठीक है. High level languages can be understandable by humans and low level languages can be understandable by machines. ठीक है. यहां तक सबको समझ आया कि high level language किसके लिए है और low level language किसके लिए है? Yep. किसी को कोई confusion यहां तक? No. मैसा आपको समझ आ रहा है? Yes. ठीक है. अच्छा, शुरू में मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए. ऐसा ही है. अब yes. यहाँ पे तो हमारे पास बताना है कि हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज है, एक ह्यूमंस के लिए, एक मशीन्स के लिए. तो अगर मुझे अब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो अब मैं कैसे करूंगी? क्योंकि हम लोग तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हाई लेवल में दे रहे हैं, लेकिन वो लो लेवल लैंग्वेज में तो समझता है लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं समझ सकता, तो कैसे हमारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा? अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं या सऊदीया जा रहे हैं, वहां पे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हो रही है और हमें इंग्लिश आती है, तो हमें उनसे कम्युनिकेट करने के लिए क्या अपनी बात को ट्रांसलेट करना पड़ेगा? हमें ट्रांसलेटर चाहिए होगा? यस मैम.
इसी तरह से कंप्यूटर में हमारे पास बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में और फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है. यहां तक समझ आया सबके? यस. ठीक है, तो हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं? हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो ट्रांसलेट होकर लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के पास जा रही है. ठीक है, ओके मैम. अच्छा, इसके अंदर हम ट्रांसलेटर को कंपाइलर कहते हैं. ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है. क्यों? ताकि वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर तक हमारी इंस्ट्रक्शंस को बता सके कि आपने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो मैम. ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या बात करी कि भाई हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो कंपाइलर के पास जाता है और देन वो कंप्यूटर के पास जाता है, यही बात की हमने? यस मैम. यस. हम कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? हाई लेवल में. और कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? हम जो पाइथन पढ़ेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि जावा, सी लैंग्वेज, सी शार्प, रिएक्ट एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है. या मशीन लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ मशीन समझ सकती है. ठीक है, ओके मैम. तो हम लोग, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, तो आप क्या आंसर कर सकते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज. वेरी गुड. और हम कंपाइलर क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि कंप्यूटर वर्ड हाई लेवल लो लेवल कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके हम बता रहे हैं कि हमने क्या करना है इंस्ट्रक्शंस को. ठीक है, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म जीरोस एंड वंस होती है. ठीक है, क्या हम जीरोस और वंस की लैंग्वेज समझ सकते हैं? नो नो. इसीलिए हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज डिजाइन करी, और फिर डिजाइन करने के बाद हमने कंपाइलर बनाया जो हमारी लैंग्वेज को, हमारी इंस्ट्रक्शंस को जीरोस और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को सेंड कर देता है. ठीक है, ओके मैम. अब आपके पास, मेक श्योर कि जब भी आप क्लास लें कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए या पेपर होना चाहिए जिसको आपने संभाल के रखना है. बिफोर द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू रिवाइज इट. ठीक है, मैं यहाँ पर ये एज इट इज छोड़ी हूँ. गो गेट अ पेपर और नोटबुक विद पेंसिल और पेन. ठीक है, आई एम नॉट एट होम. सॉरी, आई एम नॉट एट माय होम. ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, इफ आप नहीं है, लेकिन यू हैव टू राइट डाउन इट ऑन अ पेपर एंड यू हैव टू सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, ओके मैम. यहाँ तक किसी को किसी भी चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन है? ये सब क्लियर है? नो मैम. अच्छा, पाइथन, अगर मैं पाइथन की बात करूं, अच्छा, सारी लैंग्वेजेस का लिखने का तरीका अलग होता है, तो जब लिखने का तरीका अलग होता है तो उनका ट्रांसलेटर भी अलग होता है. तो पाइथन का अलग कंपाइलर होगा, जावा का अलग कंपाइलर होगा, सी का अलग कंपाइलर होगा, सारी लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर अलग होते हैं. ठीक है, ठीक है,
सारी लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर अलग होते हैं. पाइथन का अपना कंपाइलर है, जावा का अपना कंपाइलर है, और दूसरी लैंग्वेजेस के अपने कंपाइलर्स हैं. ठीक है? ओके मैम. ओके. अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ. Now, can you tell me इसका क्या कोड होगा? कंप्यूटर किस किस के पास है, कौन अभी ये परफॉर्म कर सकता है? हेलो, कैन यू हियर मी? रूसा, रोमेसा, हाँ मैं कर सकती हूँ, मगर मुझे छोड़ना पड़ेगा, 5 मिनट वेट कर सकती हूँ? ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन आपने बताना है कि क्या करना है. ठीक है? ओके ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस. ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम. यस. हमने यहाँ पर क्या करना है, वेरिएबल बनाने के लिए make a variable. ठीक है, और इस पे हमने पॉइंट्स लिखना है. ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, अब उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करूंगी? सेट माय वेरिएबल को. सेट माय वेरिएबल, और फिर उसको माय वेरिएबल से पॉइंट्स पे कर देंगे. ठीक है, और वैल्यू क्या लूंगी? 5. यहाँ तक क्लियर है सबके? Yes, ma'am. Okay. ये हमारा वेरिएबल नेम है. ठीक है, 2 को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इक्वल्स 2 से, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई. यही है वे लिखने का इसका, पॉइंट्स टू 5. अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ. क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, पॉइंट्स इक्वल्स टू 5? क्या इसका मतलब यही है? हेलो, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग. इसका मतलब यही है, यू हैव टू बी एक्टिव इन द क्लास. कोई भी मुझे आंसर नहीं कर रहा है प्रॉपरली. इसका मतलब यही है, सेट पॉइंट टू 5, यानी पॉइंट्स इक्वल्स टू 5. यस. राइट. पाइथन के अंदर जो लिखते हैं वेरिएबल के लिए, हम लिखते हैं पॉइंट्स इक्वल्स टू 5. दिस इज द वे वी क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन एंड असाइन अ वैल्यू टू इट. दैट्स इट. ठीक है? ओके मैम. यहाँ तक क्लियर है सबके? यस. ठीक है. ओके, नाउ अब हम जो पाइथन में यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, edu blocks. ठीक है, edublocks.org. ठीक है, अब सेम चीज मैं यहाँ पर परफॉर्म करूंगी. अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सेम जैसे हमारे पास स्क्रैच के पास कैटेगरीज हैं, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज हैं. ठीक है, इस वाली स्क्रीन पर हम ब्लॉक कोडिंग करेंगे. मैम, आप ये वेबसाइट शेयर कर देना चैट में. यस, आई विल शेयर इट, बट फर्स्ट यू हैव टू सी व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. ठीक है, देन आई विल शेयर इट टू यू. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हम ब्लॉक कोडिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी हम ब्लॉक्स ले रहे होंगे वो यहाँ पर हमें उसका टेक्स्ट शो करेगा कि उसको हम टेक्स्ट कोडिंग कैसे कर सकते हैं. ठीक है? ओके मैम.
हम जो भी कोडिंग करेंगे वो यहाँ ब्लॉक्स में होगी, उसका टेक्स्ट यहाँ शो हो रहा होगा, और ये वाला टेक्स्ट आपने अपनी नोटबुक में हमेशा नोट डाउन करना है कि आपने कौन सा काम आज परफॉर्म किया विद हेडिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेरिएबल्स कर रहे हैं तो आपने वेरिएबल्स की हेडिंग डाली और नीचे डाला एग्जाम्पल वन, अपना कोड लिखा, फिर एग्जाम्पल टू, जो भी आपका कोड है. ठीक है? ओके मैम. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो. अच्छा, अब मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है. यहाँ पर आपको कहीं वेरिएबल दिख रहा है कैटेगरीज में? यस यस मैम. आई एम गोइंग टू गो टू द वेरिएबल्स. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है कि यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल? ऑन द टॉप मैम. On the top. Let me just refresh my screen so it's going to start from the beginning. Okay, आपने Python 3 को select करना and then start coding. ठीक है, variables पे गए, ये blank होता है, ये empty होता है. ठीक है, block coding की बात कर रही हूँ, text coding की नहीं. यहाँ पे हम create variable करेंगे. ऊपर आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या name देना है variable को, तो क्या name दूँ मैं यहाँ पर? क्या question था? Point. ठीक है, अब मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ या ओके पे? क्रिएट करना है तो ओके. ओके, नाउ आफ्टर क्रिएटिंग अ वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, एक ब्लॉक इक्वल्स के साथ है और एक ब्लॉक सिंपल पॉइंट्स है कि अगर हमें किसी कंडीशन में यूज करना है, तो जैसे हम स्क्रैच में करते थे. ठीक है, अब मुझे वैल्यू असाइन करनी है, वैल्यू सेट करनी है पॉइंट्स की, तो मैं कैसे करूंगी? पॉइंट्स इज इक्वल टू मैम जीरो की जगह 5 कर दूंगी. 5 कर दूंगी. यहां तक क्लियर है सबको? यस. अब आपको समझ आ रहा है कि स्क्रैच पाइथन से कैसे सिमिलर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे सिमिलर है? हर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सेम होता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है. इसी तरह अगर मैं नॉर्मल लाइफ में लैंग्वेजेस की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल उर्दू में हम अलग तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में हम अलग तरह से लिखते हैं, लेकिन मीनिंग सेम हो सकता है. ऐसा ही है? यस मैम. यस, सेंटेंस हम अलग अलग तरह से लिखते हैं लेकिन उसका मीनिंग सेम होता है. इसी तरह से कंप्यूटर में भी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें लिखने का तरीका सबका अलग होता है लेकिन उन सबका मीनिंग सेम होता है. ठीक है, अगर आप लोगों का उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको उसको लिखने का तरीका सीखना है सिर्फ. ठीक है, क्योंकि यू कैन क्रिएट द लॉजिक्स बिहाइंड द कोड बट यू नीड टू लर्न हाउ टू कोड इट, हाउ टू राइट योर कोड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, राइट नाउ वी विल बी लर्निंग पाइथन बट आफ्टर लर्निंग पाइथन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जावा और अदर लैंग्वेजेस बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, ओके. अगर मैं आप लोगों से अब बोलूं यहाँ पर और वेरिएबल्स क्रिएट करें और उसको वैल्यू दें, तो क्या आप दे सकते हैं? Yes, ma'am. क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा, पाइथन में अगर हम टेक्स्ट कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास इस तरह से हम क्रिएट करते हैं. जब भी हमें कोई वेरिएबल बनाना होता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एबीसी वेरिएबल बनाया, जैसे ही मैं उसको वैल्यू दूंगी वो वेरिएबल मेरा क्रिएट हो जाएगा. तो ये इस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं पाइथन में. अगर मैंने खाली एबीसी लिखा है ना तो वो उसको एरर देगा, लेकिन जैसे ही मैं उसको वैल्यू असाइन करूंगी तो उसको पता चल जाएगा ओह ये वेरिएबल है, इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है. ठीक है, ओके मैम. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर माय स्क्रीन, आई विल बी शेयरिंग द लिंक, यू हैव टू ट्राई टू क्रिएट योर वेरिएबल्स. ठीक है.